हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त, आपका गाइड, आप सभी का आपके चैनल MSTD में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड, आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। फ्रेंड, हमारे इस चैनल के सोशल हैंडल जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम तथा ट्विटर से जुड़ने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पर जाकर आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल से रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन आप वहां से ले सकते हैं। उस पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तथा कुछ मोटिवेशनल थॉट्स, आज कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वहां पर शेयर की जाती हैं, तो आप लोग वहां पर जाके विजिट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आंसर होगा, चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? आंसर होगा, ईमेल। जो कंप्यूटर द्वारा जितने भी संदेश भेजे जाते हैं हमारे द्वारा, वह क्या कहलाते हैं? ईमेल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? आंसर होगा, विंटकर्फ को इंटरनेट का जनक माना जाता है। सर्वप्रथम विंटकर्फ ने ही इंटरनेट का आविष्कार किया था, इसलिए इन्हें इंटरनेट का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निब्बल किसके बराबर होता है? आंसर होगा, एक निब्बल का मान 4 बिट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है? आंसर होगा, 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। यह दिवस लोगों की कंप्यूटर के प्रति जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर का उपयोग कर सकें और उसके बारे में जानकारी रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कारक किसे कहा जाता है? आंसर होगा, डगलस एंजेलबर्ट ने कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया था, इसलिए इन्हें कंप्यूटर का माउस का आविष्कारक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया था? आंसर होगा, सबसे पहले बने कंप्यूटर का नाम INET रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा का अर्थ क्या होता है? आंसर होगा, कंप्यूटर की भाषा में डेटा का अर्थ इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आंसर होगा, कंप्यूटर की डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर सबसे पावरफुल होता है? आंसर होगा, सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल कंप्यूटर
होता है क्योंकि इसका आकार कमरे के आकार के बराबर होता है। यह क्षमता में बहुत अधिक बड़ा है और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत अधिक है, इसलिए यह सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। फ्रेंड, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम तथा ट्विटर हैंडल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप इससे जुड़ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको एक लाइक करें और अपने ग्रुपों पर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।